आज हम बनाने जा रहे रेस्टोरेंट स्टाइल हरे धनिया और पुदीने की चटनी। लहसुन और अदरक की कलियों को डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा दही डाल के हम ग्राइंड करते जाएंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे हरी धनिया की चटनी रेस्टोरेंट। चलिए देखते हैं कैसे बनता है हरे धनिया और पुदीने की चटनी। तो हरे धनिया की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीना। मैंने एक कटोरी की लगभग पुदीना तोड़ के साफ कर लिया और हरा धनिया इससे दुगनी मात्रा में लिया है। 5-6 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का। सबसे पहले मैंने लिया है आधा कटोरी दही, जो हम इसमें डालेंगे और इसको एक बार ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। दही को ग्राइंड करके हमें निकाल लेना है। इसी जार में हम कटे हुए धनिया, पुदीना, लहसुन और अदरक की कलियों को डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें कोरिएंडर सीड और क्यूमिन सीड, जो रोस्टेड किया हुआ है मैंने, उसको डालेंगे। अब सबको एक बार मिला लेंगे। इसमें आधा चम्मच के करीब नमक को भी ऐड करना है। बाद में आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा दही डाल के हम ग्राइंड करते जाएंगे। मैंने इससे पहले भी 1 चम्मच के करीब दही डाल के ग्राइंड किया था। चटनी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। चटनी को मैंने निकाल लिया है। अब इसमें बाकी बचा हुआ जो दही है, तो मैंने फेटा हुआ रखा हुआ था, उसको मिला लेंगे। और एक बार आप नमक को चेक कर लें। लीजिए, तैयार है हमारे हरी धनिया की चटनी रेस्टोरेंट स्टाइल में।